दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। इस वक्त हमें NIT 5 में और यहां पर अदानी गैस की पाइपलाइन में आग लग गई और काफ़ी नुकसान हो गया, ऐसी हमें सूचना मिली है। और इनका कहना है कंपनी वाले काफ़ी लेट पहुंचे, काफ़ी नुकसान हो गया। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी यहां पर आई हुई है और आग बुझा ली गई है, लेकिन हम देखेंगे कहां पर और कितना नुकसान हुआ है। आप बताइए सर, लोकलिस्ट ने, फायर ब्रिगेड ने आग नहीं बुझाई, यहां के लोकलिस्ट ने, आम आदमी ने, पड़ोसियों ने सीमेंट वीमेंट डाल के रेत में डाल के बहुत लेट आई है। 1.5 घंटे बाद आइए सर। और कंपनी वाले कब आए? कंपनी वाले अभी आए, वो भी 1 घंटे बाद आए। कंपनी वाले भी, मूवी देखी थी आपने, वैसी मूवियों वाला सीन हुआ है कि क्राइम करके चला जाता है और पुलिस वाले दबाते हैं, फायर ब्रिगेड दबाइए। जब फायर ब्रिगेड, आम पब्लिक, पड़ोसियों ने आसपास से तब बुझा दी है। जान माल का नुकसान, माल का तो हुआ, जान का हो जाए तो फिर क्या करते हैं? कोने में मारता है इस बात का। अदानी जी को बस दे ही जा रहे हैं। और लेकिन अदानी जी यहाँ के देखे तो सही कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऐसा इंतजाम होना चाहिए कि कल को किसी घर में आग लगी सब में लग जाएगी, कोई सिस्टम बंद करने का बताइए। सिस्टम तो बनाया। आइए देखते हैं कहाँ पर कितना नुकसान हुआ। देखिए पब्लिक आक्रोशित है क्योंकि सर्विस देते हैं लेकिन वो सर्विस नहीं मिलती जिसकी उम्मीद की जा रही है कंपनी से। तो यहाँ पर कंपनी वाले फिलहाल आ गए हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर लगी है। ये देखिए, इधर दिखाओ भाई कैमरामैन, देखिए अभी जो बताया गया था आग की लपटें काफ़ी ऊपर पहुंच रही थी, काफ़ी नुकसान हो गया, मोटर वगैरह फूक गई। भैया क्या नुकसान हुआ थोड़ा बताएंगे, दिखाएं किसका मकान है। भैया आपका मकान है, भैया आप बताओ क्या नुकसान हुआ है आपका? नहीं मेरा तो नहीं हुआ, क्या देखा था? अच्छा, मैं जब आया तो यहाँ बहुत ज्यादा लपटे आग की निकल रही थी। अच्छा अच्छा, फिर मैं जाके आग लगी दो घर में, उसमें भी इसमें भी। अच्छा, घरों में आग नहीं लगी, आग इसमें अंदर नाली के अंदर से पाइपलाइन में लगी, तो अंदर से लपटे आ रही थी बाहर। फिर जाके हमने उसमें अंदर बाइकों में भी आग लग गई, उसमें पानी वानी डाला उनको, उसकी तो आग बुझा दी। अच्छा, ये एसी भी जल गया, फिर ये एकदम से ना भड़क उठी आग। हाँ हाँ भैया, आपका एसी भी जल गया उसकी वजह से, अंदर सारी लाइटें वगैरह भी। मकान है भैया, मकान मालिक कौन? ये मकान मालिक आपका है, ऊपर ये। आपने कुछ देखा था भाई क्या हुआ? मैं तो थोड़ा, मेरी वाइफ और बच्चे जो है ना ऊपर ही थे, तो मेरी वाइफ बच्चों को लेते उधर से आ गई, लेकिन आग तब तक इतनी पकड़ चुकी थी कि ये एसी वगैरह भी जल चुका था। तो ये जो गैस का कनेक्शन है तो इसमें से कहीं से जो है ना शॉर्ट सर्किट या कोई स्पार्किंग हुआ है, उसकी वजह से ये आग लगी है। और काफ़ी भयंकर आग थी, तो यहाँ पे काफ़ी लोग भी थी जिन्होंने हर पूरा प्रयास किया तभी जाके कंट्रोल हुई है। शॉर्ट सर्किट से आग कैसे लगी कुछ समझ में नहीं आ रहा, लीकेज हुआ कहीं? देखिए इस बारे में मेरे को नहीं पता क्योंकि हमने अभी तक गैस का कोई कनेक्शन नहीं लिया, हमारे पड़ोस वाले हमारा लिया भी हुआ है, तो ये प्रॉब्लम हुआ है इसमें। अंदर अच्छा, अंदर स्कूटी जल गई ऐसा काजर, पहले एसी दिखा दो भैया, एसी भी जल गया है। देखिए ये दुर्घटना आजकल हो रही है और कई जगह हो चुकी है, दिखाओ एसी वेसी फूंक गया है कैमरामैन ध्यान से। और इधर स्कूटी भी है वो भी दिखाएंगे। ये क्या है भाई साहब, ये क्या चीज़ है? काउंटर था सर, काउंटर का है। स्कूटर कहाँ पर है जिसमें आग लगी थी? आओ हर चीज़ दिखाएंगे आपको ताकि। हाँ अच्छा, यहाँ तक आग पहुँच गई थी है, दिखाओ भाई कैमरामैन, ये स्कूटी में आग लग गई, देखिए ये जल गया है, ये पीछे नंबर प्लेट वगैरह सब जल गई है, ये देखिए ये पीछे का पार्ट जल गया है। अच्छा ये सब जल गया, दिखाओ कैमरामैन ध्यान से। तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, अदानी गैस की पाइपलाइन है यहाँ पे। आप लोग सलामत हैं, कुछ हुआ तो नहीं? ठीक है ना? अच्छा अच्छा, बाहर निकल गए थे तो थोड़ा सा डर का माहौल यहाँ पर है क्योंकि इनको लग रहा है दोबारा ऐसी दुर्घटना ना हो जाए। तो थोड़ा कंपनी वाले भी ध्यान रखें कि पाइपलाइन कहाँ पर डाली है, कैसे डाली है, किस तरफ जा रही है, आग कैसे लग रही है, ये लोग परेशान हैं। कंपनी वाले हैं ये अदानी वाले? अच्छा आप भैया क्या देखे थे थोड़ा बताओ। हाँ इधर एक, क्या नाम है आप? चंदन नाम है सर मेरा। हाँ क्या देखा था सर? मैं यहाँ से जा रहा था, यहाँ से एकदम पटाखे की आवाज आई है पाइप में से और आग लगी है। पाइप तो में से पटाखे चले गए, पाइप फटा है वहाँ से, वहाँ से आग लगना स्टार्ट हो गई। तो पाइप तो नहीं फटना चाहिए भाई सर, ये तो बता दिए अडानी जी से पूछो आप कैसे फटे पाइप में, अगर इस तरफ ब्लास्ट होने लगेगा फिर तो हर जगह आग लगेगी। सर ये अडानी जी से पूछो ना पाइप कैसे फटा।
हमने तो जो देखा अचानक पाइप फटी है, आग भड़की है। हाँ जी, आग भड़की है। हम लोग क्या किया उसके बाद? सबसे पहले सर मैंने मिट्टी डाली है, मिट्टी से आग नहीं बुझी। और सबसे पहले मैं ऊपर गया हूँ, ऊपर जो भी थे उन लोगों को नीचे लेके आया हूँ। अच्छा, ऊपर अंटी फंसी थी, अंटी को नीचे लेके आया हूँ। उसके बाद फिर और मिट्टी डाली है। आपने बचाया एक तरह। उसके बाद अंटी वगैरह सब इकट्ठे हो गए। आप यहाँ पर रहते हैं, नागरिक है? आगे दो घर आगे, दो घर आगे। फिर मैं भी बचा हूँ, मेरे भी आगे हल्की हल्की झाड़ लग गई है। चलो भाई, आपने काफी अच्छा काम किया, इसके लिए तारीफ होनी चाहिए आपकी। लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए कि बहुत तेजी से ये काम, और आस पास के लोगों ने आग बुझाई, का परिचय दिया है, नहीं तो बड़ी दुर्घटना हो जाती क्योंकि फायर ब्रिगेड लेट पहुंची है आपको। नहीं, इकट्ठे नहीं होते तो बहुत बुरा हाल होता, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता। अभी कंपनी वाले क्या बता रहे, कुछ बता रहे कंपनी वाले? सर कुछ नहीं बता रहे, अभी देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो सबने कनेक्शन ले लिया है पाइपलाइन का? आप में से कुछ लोगों ने ले रखा, कुछ लोगों ने नहीं ले रखा। पीएनजी आई हुई है, पीएनजी आई पूरी 5 नंबर ए ब्लॉक में पूरी पीएनजी है। इस टाइम 2 घंटे के लिए कम से कम बंद भी रहेगी, 2 से 3 घंटे के लिए इस एरिया में बंद रहेगा। और बिल वगैरह क्या आते हैं भाई साहब आप लोगों के? बिल तो भैया सबके जो है ना 2000, 1800, 1000, लगभग 1500। 2 महीने में, 2 महीने अभी रेट्स बढ़ गए। पहले रेट्स कम थे, अभी डबल हो गए। आई थिंक 57 से 58 रुपए के रेट्स पर किलो। पहले 1000-1100 आते थे, अब 1500 से 1700। यही जो सिलेंडर का है वही पड़ता है? हाँ, लगभग इन्होंने रेट काफी रिवाइज कर दिए हैं, क्योंकि सिलेंडर भी 1.5 महीना चल जाता है। हाँ जी, इतना चलता है। हाँ जी, पहले जो था वो शायद 28 या 29 रुपए था, इस टाइम 57 या 58 रुपए का। घर के बाहर था, यही घर के अंदर होता तो फिर तो घर का घर खत्म हो जाता। ये काफी डेंजरस। पूरा एड्रेस बता दीजिए। 95 ए ब्लॉक है, 108 नंबर, 108 नंबर, हाईवे 108, 108 मकान नंबर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये भाई साहब पर मुख खा रहा है, 2000 रुपए का जो बिल है। अच्छा अच्छा, हाँ 2000 का मैंने अभी भरा, 2016 का बिल भरा, 1 महीने का। तो ज्यादा है ना फिर? बहुत ज्यादा है, सिलेंडर से ज्यादा महंगा है ये तो। ज्यादा है और सिलेंडर सिलेंडर का बिल भी इतना नहीं आता जितना पीएनजी का। 1.5 महीने चलता है, आराम से चलता है, आराम से। ये तो पर मंथ का 2016 का मैंने अभी भरा है परसों, तो बिल भी ज्यादा है, दुर्घटना भी हो रही है। कॉस्टली है, 2400 का इनको इन्होंने भरा, 2000 का मैंने भरा। लगातार 4 महीने से मैं 2300-2400 हर महीने का आता है। दोस्तों पीएनजी भी काफी महंगी है, फिर दुर्घटना भी हो रही है। अभी लोगों का कहना है जब हम इतना पैसा दे रहे हैं तो दुर्घटना क्यों हो रही है, नुकसान हो गया। अभी एसी बीसी जो जला है क्या, लीकेज होगी कहीं ना कहीं? जो एसी बीसी जला क्या कंपनी वाले देंगे कुछ नुकसान? अभी तो भैया कुछ नहीं कहा जा सकता, कंपनी की ड्यूटी तो बनती है। जो भी नुकसान जल गई वो इसकी भरपाई करने की कंपनी का जिम्मेवारी है। बिल्कुल, क्योंकि ये गलती कंपनी की तरफ से है, लीकेज हुई है। इतना पैसा दे रहे हैं, डबल चार्ज दे रहे हैं, दुर्घटना भी हो रही है, गाड़ियां भी जल रही है, एसी भी फूक रहे हैं, नुकसान भी हो रहा है इनका कहना है। हाँ, स्कूटी भी जली है, पीछे का पार्ट जल गया, लाइटें जली है। दोस्तों कंपनी को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, हमने पहले भी दिखाया है। इससे पहले फरीदाबाद सेक्टर 7 में आग लगी थी तो हमने आपको दिखाया था, सेक्टर 11 में आग लगी थी हमने आपको दिखाया था, सेक्टर 3 में आग लगी थी हमने दिखाया था। तो जहाँ जहाँ आग लगती है हम आपको दिखाते हैं, हम इसलिए दिखाते हैं कि कंपनी वाले अपनी सर्विस पर ध्यान दें, जो पाइपलाइन बना रहे हैं उसकी क्वालिटी चेक की जाए, वो फट क्यों रही है, आग क्यों लग रही है, पब्लिक का नुकसान क्यों हो रहा है। अगर इसी तरह से दुर्घटना होती रही तो पब्लिक पीएनजी कनेक्शन लेना बंद कर देगी और कंपनी को काफी नुकसान होगा। हमारे स्टाफ साथ खड़े हैं नहीं, यहाँ से यहाँ कर लो मैडम, कई बार रिक्वेस्ट कर चुकी है सारे। हाँ, पुलिस भी आ गई। बिल्कुल, हाँ नमस्कार जी, नमस्कार। पुलिस भी आ गई, देखिए पुलिस भी आ गई जैसे सूचना मिली। हाँ बिल्कुल, पुलिस भी आ गई। तो मैडम क्या कार्रवाई की आप लोगों ने? कार्रवाई ये सूचना मिली थी, जैसे हमें सूचना मिली थी, मुझे तो मेरे स्टाफ डायल 112 की सूचना थी। और बहुत ज़्यादा जो आपातकालीन होते हैं ना इमरजेंसी, तो उस पर ये हमें भी कॉल करते हैं, मेरा जो स्टाफ है, तो तुरंत हमारी दोनों गाड़ियाँ आके, हमने सबसे पहले सूखी मिट्टी थी या कुछ गिल्ली थी, कुछ कट्टे थे, जो भी एक देसी तरीका होता हमने वो अपना के और इसको बंद किया। और काफ़ी सारी कॉल हमने गैस एजेंसीज है जो उनको की कॉल रिसीव मेरी भी नहीं हुई है, 3 नंबर थे, तीनों पे कॉल रिसीव नहीं हुई। बिजली बोर्ड से कॉन्टेक्ट किया गया, उन्होंने तुरंत बंद भी कर दिया और आए भी हुए हैं वो,
तो जब तक फायर ब्रिगेड आई है तब तक आग वगैरह बुझा दी हमने। हमारी मैडम जो है पुलिस स्टाफ से बहुत इसकी काफी तारीफ होती है, वैसे भी ईमानदार मैडम है। कि ये ए ब्लॉक वासियों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए कि फायर ब्रिगेड आने से पहले पुलिस प्रशासन नहीं बट फायर ब्रिगेड आने से पहले मैम का तो यही शुक्रिया था बट उससे पहले आग बुझा दी गई है, नहीं तो बहुत ज्यादा आग थी। ठीक है, अब कंपनी वालों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि पाइपलाइन में आग क्यों लग रही है और सर्विस में सुधार करना चाहिए, पाइपलाइन की क्वालिटी भी चेक करनी चाहिए। वीडियो बनाने का मकसद यही है, बाकी घटना दुर्घटना होती रहती है, लेकिन कंपनी अगर अपनी सर्विस पर ध्यान देगी तो जनता का भरोसा कायम रहेगा। और इस तरह पीएनजी मैडम सबका नंबर फीड करा रही है, देखिए मैडम ने बोला है ठीक है करवा। हाँ जी सब अपना नंबर फीड, एक बार नंबर फीड कर रहे हैं। हाँ जी मैडम जी बोलिए, अभी अपना नंबर फीड। हाँ देखिए बोलिए मैम, डायल 112 बिल्कुल बिल्कुल मैडम, डायल 112 और अपना तो दोस्तों फिर से आपको अपडेट देंगे जब भी कंपनी इनकी मदद करेगी और कोई अपडेट आएगी कंपनी की तरफ से तो फिर से आपको जोड़ेंगे। फरीदाबाद न्यूज से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।